प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने एक और अवसर दिया आप लोगों की मध्य में एक नया सुसमाचार लेके आने के लिए। आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहता हूँ। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु आज हम देखेंगे इफिसियों में से इफिसियों 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से कुछ आयतों को हम देखेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान दिया। यहाँ पर परमेश्वर का जो चुना हुआ पौलुस है, वह पौलुस क्या बोलता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हमें किसकी तरह अनुकरण करना है, किसकी तरह पालना करना है परमेश्वर के वचनों का? एक बालक की तरह, जिस तरह बालक को जो सिखाया जाता है माता पिता की, वैसे ही वो आज्ञाओं का पालन करता है। उस आज्ञा के ना विरुद्ध जाता है ना आज्ञा के बढ़कर कोई काम करता है, उसको जो आज्ञा दी जाती है उतनी ही वो काम करता है। तो पौलुस हमें सिखाता है जिस तरह से बालक अपनी आज्ञाओं से नहीं फिरता, बालक उन आज्ञाओं से ना बढ़ता है ना घटता है, उसी तरह तुम्हें भी जो वचन में लिख के दे दिया मैंने, उन वचनों का आपको अनुकरण करना है। क्योंकि ये जो वचन लिखे गए हैं पौलुस के द्वारा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। और पौलुस बोलता है जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा तो मेरे पत्रियों के हिसाब से वो न्याय करेगा। कितना बड़ा एक अभिषिक्त था वो परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने उसको सब कुछ बताया किस तरह से पति पत्नी को जीवन जीना है, किस तरह से हमें बालकों को बड़ा करना है, किस तरह से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है बुराइयों की तरफ ना जाते हुए। तो यहाँ पर भी ये बताता है हमें कि प्रेम में चलो और मसीह यीशु मसीह ने जैसे तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए, हम सब के लिए सुखदायक सुगंध, जिस तरह से भेंट दी जाती थी उस तरह सुखदायक सुगंध के रूप में क्या करा उसने, अपने आप को बलिदान कर दिया। एक बलिदान की भेंट बन गया वो हम लोगों के लिए। और क्या बोलता है वो, कि परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान दिया उसने। क्या करा, परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान दिया अपने आप का, ताकि हम लोग इस दुनिया के अंदर बच सकें पाप से, हम गलतियों से अपने आप को सुधार सकें। इसलिए उसने, प्रभु यीशु ने हमारे लिए भेंट, अपने हमारे लिए बलिदान दिया। और क्या बोलता है वो आगे, कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ही तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, चर्चा भी ना हो, ऐसे बन जाओ तुम। हम क्या चाहते हैं, कि तुम्हारे अंदर ना व्यभिचार हो, ना व्यभिचार की चर्चा हो, और अशुद्ध काम तुम्हारे मुंह से निकले भी नहीं, बात भी नहीं करनी है, करना तो बहुत दूर है, कि तुम अपने जीवन को इस तरह से बिताओ कि तुम्हारे जीवन के अंदर कोई भी अशुद्ध काम नहीं होना चाहिए और ना ही व्यभिचार की बातें तुम्हारे मुंह से निकलनी चाहिए। अपने पवित्र कितना रखना है सोचिए अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाता है पौलुस के द्वारा, कि हमारे जीवन के अंदर हमारे शरीर को हमें कितना पवित्र रखना है। क्योंकि ये शरीर किसका है, हमारा नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है इस शरीर के ऊपर, ये शरीर परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है अपने वचन के अंदर, खटखटाओ तो खोला जाएगा है। तो हम
हमारे लिए क्या बोला है प्रभु यीशु मसीह ने कि अगर मैं आता हूँ तो द्वार खोलो तुम, क्योंकि ये द्वार जब तक नहीं खुलेगा तब तक परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों के अंदर वास नहीं करेगा, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा नहीं है पर प्रभु यीशु मसीह का ये मंदिर है। इसीलिए हमें इस शरीर को बहुत संभाल कर रखना है, इस शरीर को हमें व्यभिचार में नहीं धकेलना है, इस शरीर से कोई अशुद्ध काम नहीं करने हैं, क्योंकि जब तक हम इस शरीर को शुद्ध नहीं रखेंगे तब तक प्रभु यीशु मसीह इसके अंदर वास नहीं कर सकता। और आप अपनी इच्छाओं को अपने कामों को सिद्ध नहीं कर पाओगे जब तक प्रभु यीशु मसीह इस शरीर के अंदर वास नहीं करता। तो आगे लिखता है कि ना निर्लज्जता ना मूढ़ता की बातचीत ना ठट्टे की, क्योंकि वह बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। सिर्फ तुम्हारे मुंह से क्या निकले, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर एक बात का तुम्हें धन्यवाद देना आना चाहिए, हर एक बात के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, धन्यवाद की आदत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम्हारे मुंह से निर्लज्जता की बातें ना निकले, ना ही मूढ़ता की बातें, ना व्यभिचार की, और ना ही ठट्टा करने, किसी का मजाक ना बनाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को सिरजा परमेश्वर ने है और आप परमेश्वर के सिरजी भी रचना का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसीलिए आप दोषी ठहरोगे परमेश्वर के सामने, आप परमेश्वर के अपराधी बन जाओगे यदि आप किसी का मजाक बनाते हैं, किसी का ठट्टा करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का जो प्रेरित है पौलुस, वो पौलुस यही बोलता है कि किसी का भी मजाक ना बनाए, किसी का भी ठट्टा ना करें, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दें, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध दिन या लोभी पुरुष की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं। कितनी बड़ी बात कर दी यहाँ पर कि यदि तुम लोभी हो, लालच है तुम्हारे मन के अंदर, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है स्वर्ग राज्य में। सोचिए लालच कितनी छोटी चीज समझते हैं हम हमारे जीवन के अंदर, और बोलते हैं हर एक व्यक्ति लालची है। यदि मैंने मेरे स्वार्थ के लिए थोड़ा सा सोच लिया, थोड़ा सा अगर मैंने मेरा स्वार्थ देख लिया तो कौन सी बुराई की, ये हमारे मनों के विचार हैं। और यहाँ पर बोलता है पौलुस कि यदि तुम्हारे मन के अंदर लालच है, यदि तुम चाहते हो तुम्हारे खत्ते भरना, तुम्हारे भंडार भरे रखना, और उसको लालच से भरते जाते हो, तो तुम क्या करोगे, प्रभु परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से हटा दिए जाओगे, वहां पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कितना पवित्र जीवन हमें जीना है अगर एक स्वर्ग राज्य में जाना है तो। यहाँ साफ कह दिया उसने, मूर्ति पूजा के बराबर है, जिस तरह से तुम किसी मृत व्यक्ति की मूर्ति बनती है और उस मूर्ति की तुम पूजा करते हो, वही उपमा दी है एक लालची व्यक्ति की, क्योंकि जिस तरह से उसका पूरा ध्यान मूर्ति पूजक का मूर्ति की तरफ रहता है, उसी से मांगता रहता है, उसी से अपनी इच्छाओं को वो पूरी करना चाहता है, परमेश्वर को भूल जाता है, वही एक लालची व्यक्ति का होता है। लालची व्यक्ति भी यही करता है, सिर्फ धन की ऊपर आशा रखता है और धनी से अपनी हर एक इच्छा को पूरी करना चाहता है। इसलिए वो बोलता है कि लालच मूर्ति पूजा के बराबर है और इससे आपको दूर रहना है। व्यभिचारी और अशुद्ध जन ये परमेश्वर के राज्य में भागीदार नहीं होंगे। व्यभिचार सिर्फ करने से नहीं होता, सोचने से भी आप व्यभिचारी बनते हो। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि आपको व्यभिचार से कितना बच के रहना है। और अशुद्ध, अशुद्ध कैसे होते हैं हम, अशुद्ध अशुद्ध कल्पनाओं से होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है जो हम खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते, पर जो हमारे मन से निकलता है, जो हमारे अंदर से निकलता है, वो हमें अशुद्ध करता है। तो हमें वचन बोलते समय सोच समझ के वचन बोलने हैं कि हम वचन गलत ना बोलें। और आगे कहता है वो, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार अंधकार थे, परंतु अब परमेश्वर में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान समान चलो। यहाँ पर कहता है कि तुम पहले अंधे थे, तुम अंधकार थे, तुम बिल्कुल पूरे अंधेरे में थे, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और तुम ज्योति के समान चलो। तुम्हें खुद को एक ज्योति बना दिया गया है, परमेश्वर ने तुम्हें एक ज्योति की उपमा दी है और वो बोलता है कि तुम ज्योति के संतान बन गए हो और तुम खुद ज्योति के समान चलो। आज हम अंधकार नहीं रहे,
परमेश्वर के आत्मा ने हमें क्या कर दिया है, एक ज्योति बना दिया है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, यदि हम उसके बलिदान का आदर सत्कार करते हैं और उसकी वचनों पर चलते हैं, अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाते हैं, तो हम एक ज्योति बन जाते हैं। और हमारा काम क्या रहता है, अब उस दूसरे अंधकार को खत्म करना, ये हमारा एक काम है। परमेश्वर वचनों से हमें एक अच्छी शिक्षा दे। धन्यवाद।